संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शुगर मिल का जसूर बायमर, एक के ऊपर एक गिरने से एक की मौत, तीन घायल। स्योहारा, स्थानीय अवध शुगर मिल की बढ़ती लापरवाहियां लगातार लोगों की जान लेने में तुली हैं। इसी के चलते पहले भी जहां कई हादसे हो चुके हैं, तो वहीं शनिवार को आधी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू हुए पेराई सत्र के दो दिन के बाद आज ही सुबह एक और हादसा लचर मशीनरी में हुआ कि एक और श्रमिक को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो तीन लोग बाल मौत के मुंह से बचे। प्राप्त समाचार के अनुसार शनिवार को ही शुरू हुए नए सत्र के बाद आज सुबह 4 बजे जब श्रमिक अपने अपने काम में लगे थे, तो इसी बीच लाखों की सैलरी पाने वाले इंजीनियरों की लापरवाही से के चलते एक जूस वाइमर पहले पानी के टैंक व बाद में एक रसायन के टैंक पर आ गिरा, जिसके नीचे काम कर रहे लेबर शुमार श्रवजीत पुत्र निवासी रतन चंद निवासी परागपुर कांगड़ा चंबा हिमाचल प्रदेश पूरी बुरी तरह से भारी मलबे में दब गए, जिनके शव को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मशीनों को काटते हुए बाहर निकाला गया। शव की हालत झुलसने से इतनी नाजुक हो गई थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इसके अलावा 3 अन्य श्रमिक राजवीर पुत्र विजय पाल बलबीर चिरंजीव भी घायल हो गए, जिनकी हालत अवस्थिर बनी हुई है। शव जहां पीएम के लिए बिजनौर भेज दिया गया, तो वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मिल प्रबंधक सुखवीर ने इस पूरी घटना को मात्र एक हादसा बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तो बाकी जिम्मेदार मुंह छुपाते नजर आए। पहले कई हो चुके हैं हादसे। जी हाँ, सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाली ये शुगर मिल अब हादसों की पहचान बन चुकी है। अब नए सत्र शुरू होते ही जहां अब नगर वासियों को भीषण जाम, उड़ती छाई, गंदे पानी आदि से दो चार होना पड़ेगा, तो वहीं इस मिल के कर्मचारी भी हर समय खौफ में जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि गत वर्ष पूर्व भी जहां डिस्टिलरी में जहां काम कर रहे 4 मजदूर मौत के काल में समाए थे, तो वहीं कुछ माह पूर्व भी एक सीरे का टैंक फटने से एक बड़ा हादसा टला था, और आज हुए हादसे ने फिर से लोगों के दिल को दहला दिया। 2 दिन पानी व कार्य व्यवस्था रहेगी ठप। आज इस हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुए पानी के टैंक के कारण आगामी 2 दिन तक मिल कर्मचारियों की कॉलोनी की जल व्यवस्था ठप रहेगी, तो वहीं गन्ना पेराई भी फिलहाल बंद कर दी गई है। इसके अलावा पानी के टैंक फटने के कारण मिल परिसर के अलावा लेबर कॉलोनी में भी दूर दूर तक पानी पानी हो गया। धन्यवाद सर। ये जो हादसा आपके शुगर मिल में घटा है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये एक एक्सीडेंट है, वाटर टैंक का वो टिल्ट हुआ, उससे थोड़ा स्ट्रक्चर टिल्ट हुआ, ठीक है, उससे एक आदमी का वो हुआ। हमें तो पता चला नहीं कैसा हुआ, बस पलक झपकी और हम तो नीचे थे, बस अपना फेयर निकले जैसे भी निकाला लोगों ने। आपकी क्या पोस्ट है वहाँ पे? मैं वहाँ पैनमैन की पोस्ट है मेरी। जी, कितने बजे घटना है? 4 के आसपास की होगी। 4, तो आप भी काफी जो है झुलस चुके हैं? चोटे हैं,